भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने भोपाल में हुक्का लॉन्च को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कमला पार्क स्थित जंकर्ड कैफे में तोड़फोड़ की। भाजपा युवा मोर्चा का कहना है कि हुक्का लॉन्चों में लड़के और लड़कियों को नशा परोसकर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है और हुक्का लॉन्च की आड़ में लव जिहाद जैसी घटनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हुक्का लॉन्च बंद करने की मांग को लेकर पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह की अगुवाई में भाजपा युवा मोर्चा और कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा ने आरोप लगाया कि लगातार इन हुक्का लांजों की वजह से युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आती जा रही है। यहां युवाओं और बच्चियों को नशा परोसा जाता है। इसी को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने कमला पार्क स्थित जंकर्ड कैफे में तोड़फोड़ की और हुक्का लांज बंद करने की चेतावनी देते हुए कहा कि हुक्का लांज द्वारा युवाओं को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। हुक्का लांज लव जिहाद को भी बढ़ावा दे रहा है। इस दौरान हुक्का लांज बंद करो, लव जिहाद बंद करो के नारे भी लगाए गए। हुक्का लॉन्च के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ के मामले को लेकर 7 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज माननीय श्री सुरेंद्र नाथ सिंह जी पूर्व विधायक जी के नेतृत्व में पूरे भोपाल में हुक्का लॉन्च पे हल्ला बोल है। सारे क्षेत्रों में अलग अलग टोलियाँ, सैकड़ों की तादाद में टोलियाँ बना के हुक्का लॉन्च पे कार्रवाई की गई है। हुक्का लॉन्च द्वारा मासूम बच्चियों को नशा परसा जा रहा है, जिसमें जो एक मुख्य बिंदु बना हुआ है, लव जिहाद का कारण बना हुआ है। इस पे आज हम सभी युवा कार्यकर्ताओं द्वारा आज सभी हुक्का लॉन्चों पर हल्ला बोल का कार्यक्रम किया गया है। अगर आज ये चीज सिर्फ चेतावनी है, आगे लड़ाई है। आपने तोड़फोड़ भी की है, आप लोगों ने तोड़फोड़ युवाओं द्वारा किया गया है। ये उग्र उनके अंदर जो गुस्सा भरा गया है, उसके सिर्फ एक छोटी सी चेतावनी है। अगर आगे आगे हुक्का लॉन्च ये सब चीज़ बंद नहीं की गई, मासूमों पर अत्याचार बंद नहीं किया गया, लड़कियों लव जिहाद बंद नहीं किया गया, तो इसके लिए एक बड़ा एक्शन लिया जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।